हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका जीके का है, यानी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है। अब आपके बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैं लेके आ रही हूँ। हैज वन का मतलब है ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगी। और जितने भी एग्ज़ाम्स आपके हो रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग हमने है जीके से की है, और आपके पीबी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली एमपी के अंदर के ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा, यानी सेकंड पार्ट का वेट कीजिएगा। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 51वां जिला अगर मालवा किस वर्ष में बनाया गया था? अब आपको ये बताना है कि जो अगर मालवा बनाया गया था वो किस वर्ष में बनाया गया था। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था। अब आपको इकबाल पुरस्कार की स्थापना बताना है किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1986 एंड 87 में। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 1996 1994 1993 1995। तो राइट आंसर इज 1994, यानी 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं कि रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय भोपाल, जबलपुर, मंदसौर, खरगोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जबलपुर। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। थोड़ा इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिकी के रूप में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है वो आपके जबलपुर में है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत में न्यूज प्रिंट कारखाने हैं। भारत में न्यूज प्रिंट कारखाने कहाँ हैं? नेपानगर पे, होशंगाबाद में, मंडला में या इंदौर में? न्यूज प्रिंट कारखाने कहाँ? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट। चार्ल्स कोरिया, हेरेस जोस, क्लाउड बटले या मैक्सवेल फ्राई? तो राइट आंसर इसका होगा आपका चार्ल्स कोरिया जो है वो भारत भवन के वास्तुकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है? अब आपको बताना है कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में है। इनमें से कोई नहीं, छतरी बाग, देवताल या फिर ये दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका छतरी बाग। छतरी बाग जो है ये पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है। अब आपको बताना है कि काली देह महल कहाँ स्थित है। तो काली देह महल धार, पचमढ़ी, भोपाल, उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उज्जैन, यानी काली देह महल जो है उज्जैन में स्थित है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? अब आपको बताना है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में, इनमें से कोई नहीं, रोडोडेंड्रन, नांगकनी या बांस। तो राइट आंसर होगा आपका बांस। अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आपको बताना है 2010 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो राइट आंसर होगा 2009 में, 2009 में अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रहेन जलप्रपात किस नदी पर है? अब आपको बताना है कि रहेन जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, नर्मदा पर, केन पर, बेतवा या सोन नदी पर। तो राइट आंसर होगा केन। रहेन जलप्रपात जो है वो केन नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अब आपको बताना है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा ग्वालियर पे, ठीक है। तो बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। नरवर किला कहाँ स्थित है? अब आपको बताना है विंध्य पर्वत श्रेणी में, इनमें से कोई नहीं, अरावली पर्वत श्रेणी या सतपुरा पर्वत श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, यानी नरवर किला जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा संभाग है जहां अधिकतम संख्या में जिले हैं, नर्मदापुरम, इंदौर, ग्वालियर या सागर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा इंदौर। तो राइट आंसर इंदौर। इंदौर जो ऐसा संभाग है जहां पे सबसे ज़्यादा जिले हैं।
नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है आपको बताना है। नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण? तो राइट आंसर इज दक्षिण, यानी साउथ तरफ जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है नर्मदा नदी के। नर्मदा नदी के दक्षिण ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। मांडू का जहाज महल वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। किस वास्तुकला का आपको अब बताना है, फारसी, अफगान, मुगल, द्रविड़? तो राइट आंसर इसका होगा आपका अफगान, यानी मांडू का जहाज महल अफगान वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। पेंच बाघ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? पेंच बाघ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है, होशंगाबाद और बैतूल, बैतूल और छिंदवाड़ा, या सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर है सिवनी और छिंदवाड़ा, यानी पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? अब आपको बताना है, पीसी सेठी, पीवी दीक्षित, एन वी लोहानी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका होगा पीवी दीक्षित जो थे वो आपके मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? जो सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, किस नंबर के थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले, यानी सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है अब आपको बताना है, 4, 2, 3, 1? तो राइट आंसर है इसका 2, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब डैश के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है, किस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बर्लिन में, या मैनचेस्टर में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लंदन, यानी धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब लंदन के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थीं अब आपको बताना है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनः संगठन किया गया था, स्थापना किया गया था, तो उस समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थीं? 4, 2, 3, 1? तो राइट आंसर होगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह है, इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर धारा प्रतिकूल, इंदिरा सागर परियोजना के 80 किलोमीटर अनुप्रवाह है, या इंदिरा सागर परियोजना के 80 किलोमीटर धारा प्रतिकूल? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह है, ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की उपनदी है अब आपको बताना है, चंबल नदी की उपनदी कौन है? इनमें से कोई नहीं, पार्वती, शक्कर, या तवा? तो राइट आंसर होगा आपकी जो पार्वती नदी है वो आपकी चंबल की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंडला जीवाश्म में राष्ट्रीय उद्यान किसके बीच में स्थित है? कान्हा और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो राइट आंसर होगा बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है आपका मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 51वां जिला आगरमालवा किस वर्ष में बनाया गया था? अब आपको बताना है कि जो आगरमालवा जिला बनाया गया था वो किस वर्ष में बनाया गया, 1998-2000 में? तो राइट आंसर होगा आपका 2013 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की मैगनीज राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो मैगनीज राजधानी के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बालाघाट, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर? तो जो आपका बालाघाट है वो मैगनीज राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे मैगनीज जो होता है आपका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है, इंदौर, शिवपुरी, झांसी, ग्वालियर? तो राइट आंसर आपका होगा झांसी जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है, इंदौर, शिवपुरी और ग्वालियर जो तीनों हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से प्रसिद्ध है, ऊर्जा भवन, यातायात भवन, सौर भवन, विद्युत भवन? तो देखिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण की बात चल रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊर्जा भवन होगा। तो विद्युत हमें कहाँ से मिलती है, ऊर्जा से मिलती है, तो आप थोड़ा इससे भी आप लगा सकते हैं। तो आप
ट्रिकी के बेस पे भी इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा और अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।